मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता। असम का कल्चर है, असम की हिस्ट्री है, असम का सोचने का तरीका है, उसके एक प्रतीक है, सबसे बड़े प्रतीक है। हमने सोचा था कि अगर हम असम आएंगे तो उनके सामने सिर झुकाना चाहिए, इसलिए हम उनके मंदिर जा रहे थे। वहाँ पे हमें परमिशन मिली थी मगर सरकार ने आज रोक दिया हमें, मगर ठीक है, हम उनके उनकी सोच का पालन करेंगे, अपने काम में उनकी उनकी सोच का प्रयोग करेंगे। वो सब धर्म, सब जात, सब भाषाओं को एक साथ लेकर चलते थे, दिल में उनके करुणा थी, तो वो एक जीने का तरीका है और उसका हम पूरा समर्थन करते हैं और उस प्रकार से ही हम जीना चाहते हैं। वो आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो देश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, वो उनकी सोच के खिलाफ है। और ये जो हमारी यात्रा है, शंकर देव जी की फिलॉसफी की यात्रा है। महिला मिली जो बोले कि हम राहुल जी के लिए एक गमुसा हम लाए थे, तो वो भक्त तो उसी के होते हम आपके शंकरदेव स्थान पे हम जन्म स्थान से तो ये दे रहे हैं। और वहाँ पे जितने भी वहाँ पे हमने प्रार्थना करते हुए वहाँ पे जितने भी संत थे, जितने भी पुजारी थे, सभी ने हमने उनको दरख्वास्त की आपको आशीर्वाद देने के लिए, उन्होंने सभी ने बोला है हमारी आशीर्वाद राहुल जी के साथ। मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं, तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूँ। उनका इन्विटेशन आया था, 11 तारीख को इन्वाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं, कोई ना कोई कारण होगा, जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए। Bhatia and I got my hair done by Shoaib and I'm in love with it, and thank you Matrix and Shoaib for giving me this look। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।